पिछले 105 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आरके मार्बल और आईजी के ड्राइवर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीरदान सिंह और उसकी पत्नी के साथ समर्थन में आई छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक की कार का रास्ता रोका। इस बात से गुस्सा एसपी ने सिविल लाइन थाना पुलिस और डिप्टी को छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश की पालना कुछ ही मिनटों में कर ली गई। हमारी एक ही मांग है, सिर्फ जो कैलाश का और अनशन पे बैठी है उसको उठाया जाए। और हमें और मार्बल से या किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक महिला आज 13 दिन से अनशन पे बैठी है। यहाँ हम बैठे रघुपति राघव गा रहे हैं और जिला प्रशासन जो सो रहा है उसको जगा रहे हैं। और यदि ये नहीं है तो फिर आनंद पाल के 11 पुलिस वालों को कैसे गिरफ्तार किया गया? यदि ये बेगुनाह है तो इनके साबित करें, नहीं तो उन 11 पुलिस वालों को भी छोड़ा जाए, वो बेचारे अंदर के। मंगलवार को पीरदान के समर्थन में जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैठी राजकीय कन्या महाविद्यालय छात्रा संघ अध्यक्षा सलोनी साहू और किरण शेखावत के नेतृत्व में बैठी करीब एक दर्जन छात्राओं के साथ रामधुनी गाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। इसी बीच जिला पुलिस अधीक्षक नितिन दीप लग्गन की कार वहां पहुंची तो सभी छात्राओं ने जोर से नारेबाजी की और रास्ते से नहीं हटी। करीब 2 मिनट तक एसपी कार में बैठे रहे। उसके बाद कार से उतरकर एसपी पैदल ही अपने कार्यालय की ओर चले गए और अपने गनमैन को तुरंत सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना देकर सभी छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। एसपी के आदेश के बाद हरकत में आए आईपीएस चूनाराम, सीओ साउथ राजेश मीणा, सिविल लाइन थाना प्रभारी हनुमानाराम विश्नोई ने धरनास्थल पर पहुंचकर सभी छात्राओं की वीडियोग्राफी कर उन्हें नामजद किया। उसके बाद महिला कांस्टेबल की सहायता से सलोनी साहू के साथ सभी छात्राओं को वज्र वाहन में बिठाकर सिविल लाइन थाने ले जाए, जहां राजकार्य में बाधा पहुंचाने से ही शांति भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। महिलाएं जो थी जिन्होंने रास्ता जाम कर रखा था उनके खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और सिविल लाइन थाना पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है। देखिए इसमें नामजद किया गया है 10 जो लोग हैं उनको, अब उसमें कौन क्या करता है वो चीज़ तो अभी अनुसंधान से स्पष्ट हो जाएगी। और जो लोग लेकिन यहाँ पर बैठे हुए थे उनकी वीडियोग्राफी करवाई गई है, फोटोग्राफी करवाई गई है, और कौन कितने उसमें मुलजिम है और अनुसंधान के पश्चात क्या पाया जाएगा, ये सब कुछ अभी अनुसंधान का विषय है। छात्राओं के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद छात्र संगठन एबीवीपी का कोई भी नेता थाने नहीं पहुंचा। वहीं पीरदान की पत्नी संतोष कंवर द्वारा 13 दिन से किया जा रहा आमरण अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों ने अनशनकारी संतोष कंवर का मेडिकल कर ब्लड सैंपल लिया।